ये तो आम आदमी पार्टी का हमें पिक्चर साफ नजर आ रही है। सुशील गुप्ता ही प्रभारी, वही प्रदेश अध्यक्ष, वही कैंडिडेट। अब मैं बात करूं कि 1.5 लाख में से क्या एक आदमी का इनके पास कैंडिडेट नहीं था, या कुरुक्षेत्र ही लोकसभा से इनके पास कैंडिडेट नहीं था अगर इनके पास संगठन बहुत अच्छा था तो ऐसा कहना राजनीति में बहुत ही बेईमानी वाली बातें हो जाती है। रमन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम से अपडेट है। गुरुग्राम से दीपशी, क्या कुछ जानकारी है काउंटिंग सेंटर से, क्या कुछ आंकड़ा निकल के आ रहा है? बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। गुरुग्राम को लेकर एक जो इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है, ये लगातार जो बढ़त हासिल किए हुए बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से ये बड़ी बढ़त जो है देखी जा रही है। तो रिजल्ट ब्रेकिंग गुरुग्राम से, राज बब्बर आगे चल रहे हैं, ये उलटफेर नजर आ रहा है, ये एक बड़ा अपडेट है, चूंकि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर आगे चल रहे हैं। करीब 37,000 की बड़ी लीड, 37,000 की बड़ी लीड। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, गुरुग्राम को तो आप अपना मानकर चल रहे थे, ये क्या तस्वीर बनती दिख रही है? मैंने भी अभी देखा है, वहां पर नू, मेवात, फिरोजपुर, जिरका, पुनाना, इनकी सीटों के अभी विधानसभाओं के मतदाता मध्य पेटी खुली है, ईवीएम खुली है। जैसे ही ये पेटियां बादशाहपुर, बावल, रेवाड़ी, पटौदी और गुरुग्राम जो हमारा विधानसभा इनकी खुलेंगी, तब ये पिक्चर उलट नजर आएगी। जैसे ही रविंद्र जी ने पिछली बार चुनाव जीता था, अब की बार भी चुनाव जीतेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक छलावा है, एक मिराज है, जिसे बोलते हैं कि रमन सिंह से प्रतिक्रिया में रमन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले रजत पंजेटा जी, आप तो जानते ही है मेवात इनेलो का गढ़ हुआ करता था, वहां तो आपके जो अगर आंकड़ों की बात करें कुछ हजार वोटों के करीब आपका आंकड़ा है वहां, ये तो बड़ा मतलब आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का प्रश्न है। मेवात से इस तरह से आप लोगों को सफाया हो जाना, INLD का वोट बैंक खत्म हो जाना, पंजेटा जी आप बेहतर जानते हैं। आवाज मिल रही है आपको? रमन सिंह जी, डॉक्टर पंकज कह रहे हैं कि ये महज एक छलावा भर है, क्योंकि अभी केवल मेवात की काउंटिंग चल रही है, इसलिए खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 37,000 की लीड है राज बब्बर जी को। देखिए, सत्य और स्वीकार्य की बड़ी खूबसूरती होती है, लेकिन कोई ना ही सत्य को स्वीकारे तो उसका कोई जवाब दूसरों के पास नहीं। धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करते रहे। हरियाणा की जनता ने मन बना रखा था, क्योंकि हरियाणा डबल इंजन की सरकार से जो पीड़ित था, चाहे किसान वर्ग हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इन 9.5 सालों में पीड़ित ना रहा हो। अगर मनोहर लाल खट्टर जीतने ही काबिल मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते ना, उनको ऐन समय पे चुनाव से पहले हटा दिया गया। और आज मनोहर लाल खट्टर जी की स्थिति ये है कि वो स्वयं चुनाव हारने जा रहे, क्योंकि ना कहीं आप जा रहे, ना मैं जा रहा, और ना ही बीजेपी के प्रवक्ता साथी जा रहे, क्योंकि हरियाणा की भूमि काफी वोटों से पीछे चल रहे हैं। खैर बहरहाल तस्वीर साफ हो जाएगी जो आप बात कह रहे हैं। देखिए मुझे देखिए, बात सुनिए, हरियाणा कृषि प्रधान एक राज्य है, यहाँ किसान भारत का अन्नदाता रहता है, जो उसने पीड़ा सही है, और उसके बाद जो सरकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी, उसके बाद आज ये ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि इनको कोई गांव, शहर, कस्बों में नहीं घुसने देता। डॉक्टर पंकज जवाब लेंगे आपसे इस बात का, किसानों का जो गुस्सा है उसका खामियाजा क्या आपको भुगतना पड़ेगा या पड़ रहा है? पंजेटा जी, मैं बात कर रहा था 37,000 से ज्यादा की लीड मेवात की जो विधानसभा है उससे राज बब्बर को मिली है, तो ये कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बड़ा सेटबैक हो जाता है। एक दौर में INLD का गढ़ हुआ करता था मेवात, पूरा पूरा छिनता जा रहा है आपसे, आत्मचिंतन का बड़ा विषय आप लोगों के लिए। पंजेटा जी जी, अगर आप मेरे को उत्तर देने देंगे, क्योंकि आपने मेरी पिछली बार ना 5 सेकंड में बात काट दी, और मैं जो खबरें पंजेटा जी जो खबरें आती हैं वो दर्शकों को देनी जरूरी है। काउंटिंग आज महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए वो काटना नहीं होता है, आप उसे अदरवाइज ना ले, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, कोई बात नहीं, हम अपना समय निकाल के बैठे हैं यहाँ पर जी, और अगर आपने हमारे उत्तर नहीं लेने बीच में ब्रेकिंग में, अभी कोई अगर आपकी ब्रेकिंग में अगर कोई अभी हाँ, आप बताइए ना, बोलिए आप, बोलिए।
आपको, आपने अभी बहुत चिंता की हमारी पार्टी की, आपने बहुत चिंता की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको बहुत फिक्र है हमारी पार्टी की, तो मैं आप अगर उत्तर सुनते तो आपको थोड़ा समझ में आता। देखिए 2014 के अंदर हमारे दो एमपी थे, हम कांग्रेस से हमारे 2 लाख वोट ज्यादा थे, एक एमपी कम था कांग्रेस का, मुख्य विपक्षी दल भी हम 10 साल तक रहे हरियाणा के अंदर। अगर आप 10 की 10 पिछली 2019 की दे दे, कांग्रेस 10 की 10 हारी थी लेकिन 31 विधानसभा में लेके गई थी। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और जब क्षेत्रीय मुद्दे आएंगे, जब विधानसभा का चुनाव होता है, तब अगर आप ये सोचते हैं कि बड़ा चिंता का विषय और भाजपा, तो भाजपा क्यों 40 पे अटक गई 10 की 10 सीटें लेने के बाद? 58% वोट शेयर था, 74 लाख वोट पड़े थे, कांग्रेस के आधे थे उससे, और आधे से भी 1.5 लाख ज्यादा लेके गई थी। कैसे आ गए 31 MLA? आप सब कुछ अभी डिसाइड कर दोगे कि आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आपको कोई सरकार के पक्ष में बात करनी है? अगर आप हमारी कोई बात नहीं, आप तो इस लोकसभा लोकसभा का जो मैंडेट है, 10 सीटों का जो मैंडेट है, इसको कुछ नहीं, नहीं, इसको कुछ, इसका कुछ महत्व नहीं है क्या विधानसभा पे? आप क्या इसको महत्वहीन मानते हैं विधानसभा के लिए? नहीं पंजेटा जी, महत्वहीन है क्या ये? 10-10 लोकसभाओं का जो रिजल्ट आएगा वो क्या विधानसभा पे कोई कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा? आप लोगों के लिए महत्वहीन चुनाव था, कोई महत्व नहीं रखता ये चुनाव आपके लिए? उत्तर दूं मैं आपको? बोलिए। आपको मैंने अभी बताया कि अगर देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री के बीच में चुनाव चुनना है, दो नैरेटिव कार हो चुके हैं कि बुद्धि को हरान। एक मिनट रुकिए, आप बीच में बार बार ना टोकिए, एक प्रश्न एक ही बारी किया जाता है, उसका उत्तर लिया जाता है। आप इसको सीधा ये क्यों नहीं देखते कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर कांग्रेस ही, यहाँ तो 10 की 10 में से भाजपा को हारना चाहिए था, जिस हिसाब से किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे, जिस हिसाब से 750 किसान शहीद हुए, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, सुसाइड रेट पता है आपको एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? 51 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं रोज, वो कोई मुद्दा नहीं आपके लिए मैटर नहीं करता। 31 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं, वो कोई मुद्दा मैटर नहीं करता आपके लिए। जब हरियाणा की बात आएगी, हरियाणा के क्षेत्र के हित की बात आएगी, तब हरियाणा के हितों की और हरियाणा के क्षेत्र के मुद्दों की बात हो, और उसमें आप सोचते हैं कि भाजपा को, आप भाजपा पिछली बार क्यों नहीं जीत पाई भी? अगर 54% वोट शेयर के बाद पूरे क्लीन स्वीप किया इन्होंने सारी विधानसभाओं के अंदर, तब तो 75 पार का नारा था, क्यों 40 पे अटक गए? और इस बार इनकी 20 भी नहीं आएंगी, अब तो आधी रह गई सीटें अभी जिस हिसाब से दिखा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता का विषय आप ये सोचिए कि अगर इतना बड़ा गठबंधन